मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये तो अदिति और मेरे बीच की बात थी, ये इसे कैसे पता चली? रुको, सर्वाणी पयासः विभज्यते। ईशा कह रही थी कि तुमने भी नाश्ता नहीं किया। यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीदम् कुटुंब रक्ष कार्यास्तामि अवान वृद्ध हदिदम् आस्मि नास्ति च संतुष्टा द्वितीयसा द्विहिदम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीहिदम्। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे अदिति होने पर यकीन आ गया, और ना ही मैं ये समझ पा रहा हूं कि तुमने ये पता कैसे लगाया, या ये पता लगाने की कोशिश क्यों की कि मैं आज ही के दिन ये खाना खाता हूं। लेकिन तुम्हारी इस कोशिश के लिए शुक्रिया। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते। यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमेशा ब्रवीहिदम् जीरो सेवन जीरो फाइव। अदिति मैडम को इसी नंबर वाला लॉकर चाहिए था, कह रही थी कि ये मेरी जिंदगी का खास दिन है। 0705 7 मई, इस दिन तो मेरी और अदिति की शादी हुई थी। मैडम ने कहा था कि आप इसके अंदर रखी आइटम्स को किसी दूसरे लॉकर में ट्रांसफर करना चाहेंगे, वो भी आप ही के नाम के लॉकर में। मैंने सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं, बस आपको मेरे कैबिन में आके सिर्फ साइन करना होगा। आपको लॉकर बदलना है ना? जी हाँ। मैं कैबिन में आपका इंतजार कर रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि नेहा ये सब क्यों कर रही है। बताइए, ये असली है या?
साहब, ये हीरे तो बिल्कुल खरे हैं, एकदम प्योर क्वालिटी, सबसे फाइन कट, क्लैरिटी, कलर और कैरेट, ऐसे हीरे तो बहुत कम ही मिलते हैं। इनकी कीमत कितनी होगी? उंगलियों पे गिनना तो मुश्किल होगा, इतने हीरे अंदाजन कई सौ करोड़ के तो कम से कम होंगे। अब मैं चलूं? हाँ, लेकिन याद रखना। आप चिंता मत करो, ये जबान बिल्कुल नहीं खुलेगी। अरे वाह, आजकल की लड़कियां भी भगवान पर विश्वास रखती हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और भगवान का आशीर्वाद तो जरूरी भी होता है, और ये तो वही समझ सकता है ना जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, है ना? माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैं ईजा के साथ ना कीर्तन सुनने जा रही हूँ। रानी गट्टू को लेने स्कूल गई है, घर पर कोई नहीं है, सावधान रहना। वो क्या है ना कि तुम्हारे साथ आजकल कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सावधानी बरतूंगी। हाँ हाँ, सावधानी बरतना ही सही है, वरना ऐसा ना हो जाए 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं चलती हूँ। शुक्रिया माता रानी। आज आपके आशीर्वाद से मैं अपने पहले फेरे का वचन निभा पाई हूं। मैंने दूसरे फेरे के साथ साथ ये वचन लिया था कि मैं साया बनके कबीर के साथ रहूंगी और हर हालात में उसका साथ दूंगी। पर माँ, जो इंसान मेरे पास तक नहीं आना चाहता, उसकी परछाई मैं कैसे बनूं? मुझे कुछ नहीं सोच रहा, मैं अपने दूसरे फेरे का लिया हुआ वचन कैसे पूरा करूं? क्या करूं मैं माँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। हेलो हेलो, मिस्टर कबीर जायसवाल हैं, प्लीज आप उनसे बात करवा दीजिए। जी, वो तो अभी घर पे नहीं है। देखिए, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। कोई और नंबर है जहाँ पर वो मिल सकते हैं? जी, अगर कोई मैसेज देना हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं निदान हॉस्पिटल से सिस्टर पूजा बात कर रही हूँ। देखिए, आज अनन्या सीढ़ी उतरते वक्त स्लिप हो गई है और उनका बहुत खून बह चुका है, बहुत चोट लगी है उन्हें। हमें डर है कि वो किसी भी वक्त कोमा में जा सकती है। आप मिस्टर जायसवाल से बोल दीजिएगा कि हमें जल्दी से कॉन्टेक्ट करें। जी, मैं अभी उन्हें बताती हूँ और मैं खुद भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। आइए मिस्टर जायसवाल, मैं आप ही की राह देख रहा था। मिस्टर जायसवाल, इन पेपर्स पर साइन करने हैं, इसके बाद आपके नाम पर एक नया लॉकर अलॉट हो जाएगा जिसकी चाबी सिर्फ आप ही के पास रहेगी, और फिर आप मिसेज अदिति जायसवाल के लॉकर का सारा सामान अपने लॉकर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये लीजिए। लॉकर बदलने का मतलब है कि ये नेहा के हाथ में जो कुछ है वो सब उसके हाथ से निकल जाएगा। क्यों ऐसा कर रही हो नेहा? समझ नहीं आ रहा है कि मेरा दिल गलत महसूस कर रहा है या मेरा दिमाग ही कुछ गलत सोच रहा है। मिस्टर जायसवाल, प्लीज।
रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। माता रानी, कबीर का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्या करूं मैं? ये फोन अपने आप कैसे स्विच ऑफ हो गया? एक काम करती हूँ, उसे मैसेज करती हूँ। कबीर, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, अनन्या ती सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत ब्लड लॉस हुआ है, कोमा में भी जा सकती हैं वो। एक्सक्यूज मी। बोलिए। मुझे अनन्या सिंगल नाम की पेशेंट से मिलना है। एक मिनट में चेक करती हूँ। देखिए आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप उस तरफ जाइए, आईसीयू रूम नंबर 5। थैंक यू। कबीर, शुक्र है तुम आ गए। अनन्या की कंडीशन बहुत सीरियस है। पहले उसे जाके मिल लेते हैं, उसके बाद तुम्हें मुझे जो भी कहना है तुम कह देना। अनन्या कैसी? मिस्टर जसवाल, हम लोग कुछ टेस्ट के लिए अनन्या को नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। सर में चोटें हैं और खून भी काफी बह गया है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। जी हाँ, पर उन्हें और खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, और ये ब्लड ग्रुप इतनी आसानी से मिलता नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा और मेरी बहन का ब्लड ग्रुप सेम ही है। अगर तुम ठीक समझो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भला इसमें मिस्टर जयसवाल को क्या आपत्ति हो सकती है? आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, तब तक मैं खून चढ़वाने का इंतजाम करता हूँ। मैम, आप मेरे साथ हैं? जी। अनन्या का ब्लड ग्रुप भी पता है और फौरन खून देने के लिए भी राजी हो गई।